चलिए आज हम चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल में हम ये और क्वेश्चन देखते हैं आगे। लास्ट क्लास में आपने जो चेंज ऑफ वेरिएबल देखा था बहुत बेसिक क्वेश्चन था, दिस इज उससे थोड़ा सा और आगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई को जो है यू में एंड वाई को जो है यू वी में, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना है ये डबल इंटीग्रल जो है इतना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो लिमिट्स है उसको चेंज करता हूँ, ठीक है, लिमिट्स चेंज करते हैं, उसके बाद डी वाई डी एक्स और डी यू डी वी के बीच में रिलेशन क्या है वो निकालते हैं, फिर ये डबल इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे एक्स दिया हुआ है दैट मीन्स ये वाई की लिमिट होनी चाहिए, मोर ओवर क्वेश्चन में आपको डी वाई ऑपरेटर पहले दिया हुआ है, तो चलिए वो नहीं भी दिया होता तो हम यहाँ पे क्योंकि x दिया हुआ है दैट मीन्स दिस इज y, तो y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन माइनस x, मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट मुझे x इक्वल्स टू जीरो, अब अगर ये y की लिमिट है तो ऑब्वियसली ये x की लिमिट हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू वन, ये मुझे लिमिट मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अगर मैं जैसे फर्दर लिख सकता हूँ, x को अगर इधर शिफ्ट करूँगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट को जब चेंज करूंगा तो क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई मुझे रिलेशन क्या दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू लिखता हूं और यहां पे मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करता हूं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू मिल जाएगा, बट y मुझे कितना दिया हुआ है, uv दिया हुआ है, तो वो वैल्यू मैं इधर जब पुट करूंगा तो uv इज इक्वल टू यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे u और u कैंसिल नहीं करना है मुझे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, u को इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा uv माइनस u इज इक्वल टू जीरो, नाउ u कॉमन, v माइनस वन इक्वल टू जीरो, विच गिव्स मी u इज इक्वल टू जीरो, है ना, अगर u इज इक्वल टू मैं जीरो पुट कर सकता हूँ, v माइनस वन को जीरो पुट कर सकता हूँ, विच गिव्स मी v इज इक्वल टू वन, तो मुझे ये जो न्यू लिमिट मिली है वो है एक तो u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये मैंने x इक्वल टू जीरो पुट किया था तब मिला था। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मैं y इज इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू जीरो भी है, y इज इक्वल टू जीरो जब मैं पुट करता हूं तो देखिए y मुझे कितना दिया हुआ है, यू वी दिया हुआ है, तो मैं यू वी इज इक्वल टू जीरो यानी कि u भी जीरो एंड v भी जीरो, है ना, या तो u जीरो या तो v जीरो, चलिए ठीक है, u तो मुझे जीरो ऑलरेडी मिल चुका है, v की एक लिमिट तो मुझे मिल गई जीरो, तो v की एक लिमिट तो मुझे मिल गई जीरो, है ना, तो v की मुझे दो लिमिट्स मिल गई, जीरो और वन, u फंस गया हमारा। अब u के मुझे दूसरे लिमिट चाहिए, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं कि कोई और वैल्यू है जिससे u की वैल्यू निकाली जा सकती है, देखिए x प्लस वाई मुझे वन दिया हुआ है लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू जो मुझे ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसमें x प्लस वाई मुझे u दिया हुआ है, तो मैं u इज इक्वल टू वन, तो ये मेरा जो टेबल है कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली u इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू वन, सिमिलरली v इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू वन, ये मेरी लिमिट्स चेंज हो गई, ठीक है, लिमिट्स चेंज हो गई। अब देखिए यहां पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि लास्ट जब ये चेंज ऑफ ऑर्डर चेंज ऑफ वेरिएबल जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था उसमें आपको x इज इक्वल टू यू प्लस वी या फिर y इज इक्वल टू यू माइनस टू वी इस टाइप के कुछ इक्वेशन दिए थे, तो मैंने बोला देखिए यहाँ पे आपको दोनों लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं, तो क्योंकि जो फर्स्ट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल हो रहा था वो उसमें जो रीजन है वो रेक्टेंगल था, तो मुझे जो फाइनल रीजन मिलेगा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हर चीज को यू और वी में चेंज करने के बाद वो मुझे वापस पैरेललोग्राम था, ओके पैरेललोग्राम मिलेगा, वो भी वापस जो है पैरेललोग्राम मिलेगा, ये आपको बताया था। अब यहां पे क्योंकि वहां पे लीनियर इक्वेशन थे, यहां पे देखिए एक तो मुझे यू मिल रहा है दूसरा यू वी, ये लीनियर इक्वेशन चलिए मान लेते हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, वो एक कर्व है, तो यहां पे हम जो है हमें जो है डिफरेंट वो मिलेंगे, डिफरेंट फिगर्स मिलेंगे एक्स वाई और यू वी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये हमारा एक्स और वाई एक्सेस है और
एक्स हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू वन, सिमिलरली वाई इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, ये हमने देखा था। तो देखिए एक्स इक्वल्स टू जीरो ये लाइन हो गई, वाई इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू जीरो ये लाइन हो गई, वाई इक्वल्स टू जीरो ये लाइन हो गई, एक्स इज इक्वल टू वन, मान लीजिए दिस इज एनी पॉइंट वन, तो यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, ये हो जाएगा ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूं, दिस इज लेट्स से एक्स, दिस इज लेट्स से वाई, जब मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा वाई वन बनेगा, जब वाई को जीरो पुट करूंगा एक्स वन बनेगा, तो दिस इज वन कॉमा जीरो एंड लेट्स से दिस इज जीरो कॉमा वन, दोनों पॉइंट को जोड़ देता हूं तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। तो ये ट्रायंगल है, माना ओरिजिनली ये जो इंटीग्रेशन है ये मुझे इस उसका जो रीजन है वो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें जैसे कि यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो एंड वन, v इज इक्वल टू जीरो एंड वन ये मिला हुआ है। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, लेट्स से दिस इज u एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज v एक्सिस, u जीरो होता है v एक्सिस में, v जीरो होता है u एक्सिस में, ठीक है। u को हम 1 यहां कहीं पे मान लेते हैं, u इज इक्वल टू 1 मतलब एनी लाइन पैरेलल टू v एक्सिस, v इज इक्वल टू 1 मतलब एनी लाइन पैरेलल टू u एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया 1, 1, 1, 0 एंड लेट्स से 0, 1। तो अब देखिए यहां पे जो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर बन गया। यहां पे क्या हो रहा था, जब हम स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे थे तो स्ट्रिप में मुझे एक पोर्शन जो है वेरिएबल मिल रहा था, यहां पे अगर मैं स्ट्रिप ड्रॉ करता भी हूं तो मुझे वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, कांस्टेंट लिमिट्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, और जैसे कि आपने देखा लीनियर इक्वेशन में जो फिगर है वो एज इट इज हमें मिल गया, लेकिन क्योंकि यहां पे हमें लीनियर इक्वेशन नहीं मिला इसलिए फिगर जो है चेंज हो गया। अच्छा, ये काम तो हमने कर लिया, हमने u v की जो लिमिट्स है वो निकाल ली हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, dy dx और du dv के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जैसे कि आपको बताया dx dy इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जैकोबियन du dv, जहां पे जैकोबियन क्या है, डेल x y अपॉन डेल u v, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब पहले तो हम सिर्फ इस डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल यू डेल वी इसको सॉल्व करते हैं, ये जैकोबियन जो है ये हम निकाल लेते हैं। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन नेक्स्ट वेरिएबल डेल वी, सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है। अब मुझे डेल एक्स अपॉन डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल वी ये सारी चीजें निकालनी है, तो इसको अभी इस क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग हम रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड y इज इक्वल टू यू वी, ये दो चीजें दी हुई हैं, डेल x बाय डेल u निकालना है। तो देखिए x यहां पे है तो मैं x इज इक्वल टू यू माइनस y लिख सकता हूं। अभी यहां पे ना कई बार गलती हो जाती है जल्दबाजी में, वो ये कि हम यहां पे डेल x अपॉन डेल u निकालते हैं और बोलते हैं कि देखो u का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, पार्शियल है ना, पार्शियल में मतलब जो ये है इस वेरिएबल को बस मैं वेरिएबल मान के चलूंगा, बाकी जितने भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान के चलूंगा। तो अब बोलेंगे भाई पार्शियल है तो u जो है वो तो 1 हो जाएगा, y जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये u नहीं है, कोई अदर वेरिएबल है। लेकिन ध्यान रखिए आप तब तक पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे जब तक यहां पे हमारे पास x और y क्या है, ओल्ड वेरिएबल्स है एंड ओल्ड वेरिएबल्स आर x एंड y, सिमिलरली न्यू वेरिएबल आर u एंड v, ठीक है, u और v मेरे न्यू वेरिएबल्स है, x और y जो है ओल्ड वेरिएबल्स है।
आप पार्शियली तब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जब तक मैंने इस रिलेशन को टोटली न्यू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं कर दिया। ये वाई जो है अभी भी ओल्ड वेरिएबल है, तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वाई की वैल्यू क्या है? यू वी, तो मैं इसको यू बी लिख लेता हूँ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो डेल एक्स बाई डेल यू कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू, यू जो है वेरिएबल है तो वन माइनस, यू वेरिएबल है लेकिन वी कॉन्स्टेंट है तो यू को हम वन लिख लेंगे, ये सिर्फ वी बचेगा वन माइनस वी। तो डेल एक्स बाई डेल यू मुझे कितना मिल गया, वन माइनस वी मिल गया, तो उसको हम यहां लिख लेते हैं वन माइनस वी, फाइन। अच्छा अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, डेल एक्स बाय डेल वी निकालना है, तो डेल एक्स बाय डेल वी कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वी चाहिए, यू कॉन्स्टेंट है, वी वन हो जाएगा तो सिर्फ यू, तो जीरो माइनस यू यानी कि माइनस यू। डेल एक्स बाय डेल वी कितना मिल जाएगा मुझे, नेगेटिव यू मिल जाएगा। ओके अब मुझे क्या निकालना है, डेल वाई बाय डेल यू, अब वाई तो सीधा सीधा यू भी दिया हुआ है, तो डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू, सॉल्व कर रहे हैं यू वन हो जाएगा सिर्फ वी बचेगा, तो वी लिख लेते हैं, डेल वाई बाय डेल वी, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वी सॉल्व करेंगे मतलब वी इज अ वेरिएबल यू इज अ कॉन्स्टेंट, वी का डेरिवेटिव वन सिर्फ यू बचेगा। ये हमने निकाल लिया, अब मुझे इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस वन माइनस वी विथ यू माइनस माइनस यू एंड वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, यू इंटू वन इज यू, यू इंटू वी इज यू वी, माइनस माइनस प्लस यू वी, यू वी कैंसिल, मेरे पास सिर्फ u बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली dx dy मुझे क्या मिल गया, जो जैकोबियन हमने निकाला उसकी वैल्यू u मिली है, तो मैं ये लिख लूंगा u du dv, हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो डबल इंटीग्रल है उसको सॉल्व करेंगे, ये सारा ओवर। ऑलराइट, ये हमें क्या प्रूव करना था वो हम छोड़ देते हैं, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, बस ये डायग्राम की हमें जरूरत है, क्वेश्चन की हमें जरूरत है। तो क्वेश्चन डबल इंटीग्रल 0 टू 1 एंड 0 टू 1 माइनस एक्स, यही था e पावर y अपॉन x प्लस y dy dx, ये क्वेश्चन था। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ dy dx, dx dy या dy dx जो हमें u du dv मिला था, ये हम याद रखेंगे, तो इस dy dx की जगह u du dv, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा लिमिट हमें चेंज करनी थी, अब देखिए du तो u की लिमिट क्या हो जाएगी, u की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, ठीक है। अच्छा v की लिमिट कितनी हो जाएगी, अगेन 0 टू 1, फाइन। अच्छा इसको हम लिख लेंगे u, सॉरी e, y हमें कितना दिया हुआ था यहां पे, देखिए y इक्वल्स टू यू वी दिया था, x प्लस y इक्वल्स टू यू दिया हुआ था, ऐसे ही था, तो y हो जाएगा u एंड v एंड x प्लस y हमारे पास हो जाएगा u, u एंड u गेट्स कैंसिल, मेरे पास बचेगा e पावर v u du dv, u की लिमिट 0 टू 1, v की लिमिट 0 टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू u फिर विद रिस्पेक्ट टू v, अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान रखना है, मैं विद रिस्पेक्ट टू यू सॉल्व कर रहा हूं, तो ये वी वाले टर्म जो है इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो एंड वन, ई पावर वी डी वी आर ऑल कांस्टेंट, मेरे पास बच गया यू डी यू विद इन लिमिट जीरो एंड वन, यू का इंटीग्रल यू स्क्वायर बाय टू, लिमिट जीरो एंड वन है, ई पावर वी एंड डी वी, ये आ गया, ठीक है। तो पहले मैं इस u स्क्वायर बाय टू को सॉल्व कर लेता हूँ, u स्क्वायर बाय टू कितना हो जाएगा,
वन बाय टू माइनस ज़ीरो बाय टू यानी कि ज़ीरो, ज़ीरो लिखो नहीं लिखो हटा दो उसे, हाफ बच गया। dv को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, e पावर v एज इट इज़ लिख लेते हैं, इंटीग्रेट करने से ज़ीरो से वन के बीच में, हाफ इज़ अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e पावर v, मुझे वापस e पावर v मिलेगा और हाफ कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं, लिमिट से इसकी जीरो एंड वन, तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ e की पावर वन माइनस e की पावर जीरो, e की पावर वन इज e और e की पावर जीरो यानी कि वन, यही मुझे प्रूव करना था, हाफ e माइनस वन। ठीक है, ये आपने समझा चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल।